आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस क्लास में वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के तहत हम बात करेंगे सीट्स के ऊपर। तो हमने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि वर्कबुक को कैसे हैंडल करते हैं, उससे रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट भी करके दिखाया। अब हम सीट के कोड कंसेप्ट को समझेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी हम काम कर सकें। देखिए, सीट के बेसिकली दो नेम होते हैं, पहली चीज जान लीजिए। पहला होता है कैप्शन नेम, दूसरा होता है प्रॉपर्टी नेम। यहाँ देख रहे हैं ना, सीट वन ब्रैकेट में सीट वन, जो ब्रैकेट वाला है ये आपका कैप्शन नेम है। मतलब कि बाहर से सीट वन को मान लीजिए मैं कर देता हूं मंथ, तो अब यहाँ पे देखिए मंथ दिखेगा। प्रॉपर्टी नेम को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको प्रोग्रामर ही चेंज कर सकता है इसकी प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आके यूजर चेंज नहीं कर सकते, वही चेंज कर सकता है जो वीवीए को एक्सेस करे, राइट सर। तो अब चलिए हम सीट को कॉल कैसे करेंगे। सीट को कॉल करने का तरीका है कि आप इसके प्रॉपर्टी नेम से कॉल करें कि सीट वन डॉट सिलेक्ट, ये सीट वन पे चला जाएगा। पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे सीट्स और इसके अंदर में हम सीट का नेम दे देते, जैसे हमने दे दिया मंथ, भी सीट नेम है, और फिर हमने डॉट सेलेक्ट, तो ए आपका उस पे चला जाएगा। तीसरा तरीका है कि इसका सीक्वेंस नंबर, मान लीजिए मुझे तीसरा शीट चाहिए ये, तो मैं यहाँ पे शीट्स थ्री डॉट सेलेक्ट कर देंगे। ये आपकी लोकेशन के हिसाब से चलता है, सीक्वेंस के हिसाब से, कि पहला शीट, दूसरा शीट और तीसरा शीट, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। और चौथा होता है आपका एक्टिव शीट। चार तरीके हैं, तो चार तरीके से सीट को कॉल कर सकते हैं। इससे इससे आगे लगने वाले जो भी मेथड है, प्रॉपर्टीज है, वो सब पे सेम लगते हैं। सिचुएशन चार होते हैं कि आप सीट की प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग आप अपना यूज कर सकते हो, या फिर आप कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग, या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, या एक्टिव शीट। अब देखिए, सीट का प्रॉपर्टी नेम फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सीट का नाम चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जैन का सीट है, अगले महीने हम इसी सीट को चेंज कर देंगे जैन की जगह पे फैन, तो हर महीने आपका सीट का नेम चेंज हो रहा है। उस केस में कैप्शन नेम, ये जो कैप्शन नेम है, इसको आप हर बार, आपको यहाँ मंथ हो गया, मुझे यहाँ पे फैन करना पड़ेगा, हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये सुटेबल नहीं होगा, डायनेमिक नहीं होगा। तो उस केस में हम इसकी प्रॉपर्टी नेम से चलेंगे, क्योंकि सीट का रिनेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा बात करते हैं, कैप्शन नेम कब लेंगे। मान लीजिए कि सीट का नेम आपका फिक्स है, जैसे मेरा नेम फिक्स है समरी, तो अभी जो है इसका नेम समरी है, अगले महीने में क्या करूंगा कि इसको यहां से डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दिया, और फिर इसमें हम यहां पे इसका नाम दे देंगे समरी। तो हर बार सीट का नेम डिलीट हो, सीट डिलीट होगा, तो यहां पे सीट का आपका प्रॉपर्टी नेम भी चेंज होगा। सीट सिक्स हो गया, पहले सीट फाइव था, सीट सिक्स हो गया। तो उस केस में आप कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि कैप्शन नेम से मैंने कर दिया यहाँ पे समरी, वो समरी आपका फिक्स है, चाहे किसी भी सीट को डिलीट इंसर्ट किया कोई मतलब। तीसरा आपका आता है सीट का सीक्वेंस नंबर। अब आपको ये नहीं पता कि उसका कैप्शन नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक फाइल है, उसमें पांच सीट है, आपको पांचों सीट का डेटा कॉपी करना है, पांचों सीट का डेटा को कॉपी करना है, बट आपके पास इसका आइडिया नहीं है कि किस सीट में क्या डेटा है। उस केस में हम इसका इस्तेमाल, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, सीट फोर, सीट फाइव, सीट सिक्स, इस तरह से इसको लेके जाएंगे। एक्टिव सीट पता ही आपको, जो सीट एक्टिवेट है उसको हम इसके थ्रू लेके जाएंगे। क्लियर है? सीट के कॉलिंग मेथड समझ में आ गया आपको अमित जी? हाँ जी, अब चलिए सीट पे होने वाले इवेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे नई सीट ऐड करनी है, शीट्स डॉट ऐड कर रही, उसी सीट को रिनेम करना है, तो सीट को रिनेम करने का कोड होता है कि सीट्स, और यहां पे सीट का नेम कि सीट टू डॉट नेम इक्वल टू डेटा।
बट प्रॉब्लम ये है कि सीट टू ही हो, वो सीट थ्री भी हो सकती है, सीट फाइव हो सकता है. सो नेम इज नॉट कंफर्म. इतना कंफर्म है कि जो सीट हमारी ऐड हुई है वही हमारी एक्टिविटी है. यहां पे लिखेंगे कि एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू जो भी देना है नाम दे सकते हैं. लेकिन मुझे पता है कि मुझे डेट नाम का ही सीट ऐड करना है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दूंगा शीट डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू नेम. बोल रहे थे सर, ठीक नहीं, है? तो शीट को ऐड करते हैं और यहां पे होता है. अब शीट जब ऐड हो रहा है तो अगर आप डायरेक्ट ऐड लिख ऐड कर देते हैं तो जो एक्टिव शीट है उससे पहले हाईलाइट होगा, इससे पहले ऐड हो जाएगा, शीट थ्री से पहले ऐड हो जाएगा, तो भी एक्टिव होगा शीट. लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर शीट के बाद ऐड करनी है, तो शीट डॉट हम ऐड जब करते हैं तो यहां पे देखिए बिफोर आफ्टर आता है. बिफोर मतलब कि सीट के बाद या सीट के पहले, तो मैं बोलता हूं पांचवें सीट के बाद ऐड हो, तो बाद चाहिए तो मैं एक कॉमा करूंगा तो ये हमारा आफ्टर हाईलाइट हो गया. अब यहां पे हम कोट करेंगे कि सीट्स और यहां पे हमने बोला फाइव, तो पांचवें सीट के बाद ऐड होगा, मतलब कि यहां पे जाएगा वन टू थ्री फोर, मान लीजिए कि पांच सीट हो, इसके बाद एक नया सीट ऐड करेगा. लेकिन मैं चाहता हूं कि पांच बार नहीं, क्योंकि चार हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मैं चाहता हूं हर बार उस लास्ट सीट में ऐड करें. तो यहां पे हम सीट्स डॉट ऐड करें, सीट्स डॉट काउंट. सीट डॉट काउंट क्या करता है, बताता है कि आपके फाइल में कितने नंबर ऑफ शीट्स हैं, तो उसी के बाद उस सीट को ऐड करें. क्लियर है सर? हाँ, तो काउंट सीट कैसे, ये वाला समझ में नहीं आया मुझे, सीट जैसे कि डॉट यहां पे काउंट। मैंने ले लिया पांच, मतलब कि मेरे पास टोटल पांच सीट थे, हाँ, सीट के बाद वो पांच एडिट कर आएगी। लेगा, यहां से काउंट करेगा वन टू थ्री फोर फाइव. बट प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता कि मेरे सीट मेरे फाइल में कितने सीट है, तो उस केस में यहां पे हम एक फॉर्मूला लगा देंगे कि सीट्स डॉट काउंट जो कि फाइव देगा. तो काउंट मीन ऑटोमेटिक वो काउंट कर लेगा कितनी सीट्स हैं ऑटोमेटिक उसके वो बाद ऐड। इस सीट इसमें कितने नंबर ऑफ शीट्स हैं उसको काउंट अच्छा, और एंड में आ जाएगा, कर लेगा. हाँ बिकॉज अपन ने एक ही कोमा दिया है। अगर अपन दो कोमा देते हैं तो वो नहीं, आ दो गया। कोमा यहाँ पे क्या, इसके ये एक्सप्रेशन है द बिफोर को कुछ, हाँ, बिफोर। हाँ इसलिए हमने कॉमा देके बिफोर को स्किप कर दिया है. वही आपका। अब काउंट इसमें सिर्फ एक बार में एक ही सीट ऐड हो रही है, आप चाहते हो कि एक बार पांच सीट ऐड हो तो कॉमा देंगे तो यहाँ पे काउंट आ गया, काउंट में पांच कर दिया तो वो एक बार में पांच सीट ऐड करेगा. समझ गए? हाँ जी, नहीं ना, आप कोई नंबर नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट वो एक सीट को ही ऐड करेगा. ओके सर, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो आपने क्रिएट किया, टॉप में जाते हैं वहाँ पर, शीट वन डॉट सिलेक्ट इज फाइन, शीट ब्रैकेट में समरी डॉट सिलेक्ट दैट्स फाइन, शीट ब्रैकेट में थ्री डॉट सिलेक्ट, ये वाला क्या क्यों किया है? इसका थ्री मतलब ये हुआ कि इधर ये तो आपका प्रॉपर्टी नेम हो गया, ये आपका कैप्शन नेम हो गया, ये आपका सीक्वेंस हो गया, वो तो जाएगा सीट में फाइल में काउंट करेगा पहला दूसरा ओके, इसको कर देगा. तो वहां पर वो चीट थ्री को रीड करेगा फिर। जो नंबर ये इंडेक्स नंबर है, ये क्या है, सीट इंडेक्स नंबर है. अच्छा, इंडेक्स नंबर यानी कि शीट का नाम नहीं है। हाँ, सीट हो, मान लीजिए ना कि आपके पास 10 एक फाइल में 10 शीट्स हैं और डेटा कॉपी करना है, आपको दसों का नाम पता होगा, कैप्चर या प्रॉपर्टी तभी कर पाओगे ना, अगर नाम ना पता हो तो. अच्छा, तो वो काउंट कर लेगा वन टू एंड थर्ड नंबर की जो भी शीट होगी, कुछ भी नाम होगा वो हाँ सिलेक्ट कर सर, थर्ड एंड ए कोई भी सीट क्यों ना हो. हाँ, और एक्टिव सीट जो है वो
वो जो जो शीट ओपन है वही एक्टिव शीट, हाँ जो एक्टिवेट है वही होगा जो यहाँ पे सिलेक्ट हुई है, हाँ शीट वन जो है सिलेक्ट हुई क्लियर सिलेक्ट है। हुई है। हाँ जी आगे बढ़े सर, हाँ जी चलिए अब यहां पे हो गया हमारा। शीट को हमने ऐड करना सीख लिया, अब हाँ शीट को कॉपी या मूव करना सीखते हैं। मैंने लिखा शीट वन डॉट मूव, ये क्या करेगा कि इस शीट को राइट क्लिक करके मूव पे क्लिक करेगा, मूव एंड कॉपी पे क्लिक करेगा, और यहां से एक नई वर्कबुक में शीट को, शीट वन को या शीट जो भी है उसको मूव करके एक नई फाइल में ला देगा। हाँ लेकिन मुझे नई फाइल में नहीं लाना है, मुझे इसी में से मैं मुझे शीट थ्री को उठा के मुझे सबसे लास्ट में लेके जाना है। तो उस केस में यहां पे हम लिखेंगे कि सीट वन डॉट मूव, जो भी सीट है इन चारों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है ना, एज पर सिचुएशन, बिफोर या आफ्टर। और आफ्टर में दे दिया हमने सीट्स, और यहां पे दे दिया सीट्स डॉट काउंट, सबसे लास्ट में ले जाएगा। यहां पे कोई पर्टिकुलर शीट के बाद देना है तो शीट का नाम यहां लिख इस मेथड में। ओके सर, ये मूव कर देगा। तो जैसे मूव किया है तो ये आपका सेम सेम फाइल में करेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई नई फाइल है, जैसे कि मेरे पास फाइल है यहां पे, मान लीजिए ये फाइल है, अब मुझे शीट को हमारे इस जो फाइल है बुक नाइन इसमें भेजना है, लेकिन बुक नाइन को ओपन होना जरूरी है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा यहां पे वर्क बुक्स, और यहां पे बुक नाइन डॉट XLSM। तो बुक नाइन के अंदर सबसे लास्ट सीट में ऐड कर देगा, मूव कर देगा इसको। ओके सर, अगर ये ओपन नहीं है बुक नहीं वहां नहीं होगा, एरर देगा। पर तो कमांड भी लिख सकते हैं कि ओपन हाँ, एसएलएस फिर आपको डेटा। यहां पे मूव करने से पहले उस शीट को ओपन करना होगा। यहां लिखेंगे वर्क बुक, यहां पे वर्क बुक्स डॉट ओपन, और यहां पे अपना पाथ दे, उसके बाद वर्क बुक्स, क्योंकि जो ओपन होगा वही एक्टिवेट होगा, तो वापस आप यहाँ पे इस पे आना होगा ना, क्या नाम है इसका, पीपीटी वाली लाइन पे यहाँ लिखना होगा पीपीटी, इसलिए कोड हो रही है डॉट, पीपीटी डॉट यहाँ पे पाथ देना होगा डॉट XLSM। एक्टिवेट भी लिखा हो वो एक्टिवेट है फाइल। मान लीजिए कि हमने फाइल ओपन किया तो बुक नाइन ओपन है हमारा, हाँ बुक नाइन ही एक्टिवेट है ना, हमें मूव करने के लिए वापस हमें पीपीटी फाइल पे जाना होगा ना, तब तो यहाँ पे मूव राइट क्लिक करके मूव करेंगे हम, समझे, इसलिए हम उसको ऑल टैब करके इस पे आए, इसलिए हम यहाँ पे एक्टिवेट लिखा, ठीक है। तो एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाने के लिए इसका यूज करते हैं, जनरली हम लोग ऑल टैब कर लेते हैं, हाँ जो ऑल टैब काम करता है वही आपका एक्टिवेट काम, ठीक है। अब मूव हमने को किया तो ऐसे आप कॉपी भी कर सकते हैं कि शीट वन डॉट कॉपी, एक नई फाइल में कॉपी कर देगा, नई फाइल को क्रिएट करके कॉपी कर देगा। ये मैं लिखा शीट वन डॉट कॉपी, और मैं चाहता हूं कि इसी फाइल में हो, तो किस फाइल के बाद होना चाहिए, तो मैं बोला कि शीट इसे पहले होना चाहिए, तो हमने शीट थ्री दे दिया, तो शीट थ्री से पहले इसको मूव कर देगा, या समरी शीट है तो समरी से कर देगा।
और किसी अनुदर फाइल में करना है तो इसको देना पड़ेगा। क्लियर है विदाउट इसमें? नहीं। चलिए इसमें आगे बढ़े। तो हम कॉपी करना सीख लें। अब बात करते हैं डिलीट करने का। sheet1 dot delete। अब देखिए हम यहाँ पे sheet one ले ले रहे हैं या sheets ले रहे हैं, वो इन चारों में से कोई एक लेंगे, वो आपने सिचुएशन पे डिमांड करेंगे। मैंने sheet one लिया मतलब कि अभी sheet one ही ले। तो ये चारों मैंने इसलिए समझाया कॉलिंग मेथड है। तो ये डिलीट से पहले इन चारों में से कोई एक होगा एज पर योर सिचुएशन। और सिचुएशन क्या क्या है मैंने समझाई दिया था आपको। अब डिलीट आप जैसे करेंगे तो जैसे सीट हमारी डिलीट होगी ना सर, पॉपअप आता है, इसको बोलते हैं अलर्ट। जब तक मैं डिलीट पे क्लिक नहीं करूंगा इसके नीचे कोड को रही रहने देगा। तो यहां पे हमें लिखना होगा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। अलर्ट जहां भी डिलीट का यूज करेंगे इस लाइन को जरूर यूज करेंगे। ये एप्लीकेशन की सेटिंग को चेंज करता है कि जो अलर्ट वो अलर्ट ना शो। जब अलर्ट शो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देगा। अच्छा वो अलर्ट देगा ही नहीं फिर। हाँ ठीक है। तो डिलीट करना आपने इंसर्ट करना सीख लिया, रिनेम करना सीख लिया, मूव एंड कॉपी करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं हाइड अनहाइड की। तो सीट वन डॉट हमने यहां पे लिखा विजुअल इक्वल टू, हमने यहां पे तीन चीजें हैं ट्रू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं इसमें। ये एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट ट्रू करेंगे तो जो फॉल्स होगा मतलब कि एप्लीकेबल हो जाएगा जो डिफॉल्ट होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये टेम्पररी है इसी माइक्रो के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट वो फिक्स हो जाएगा। माइक्रो खत्म होते ही फिर वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी आगे बढ़े। तो इसमें हमने बोला विजिबल इक्वल टू शीट हिडन, ये नॉर्मल हिडन करेगा जो कि आप बाहर करते हैं ना राइट क्लिक करके आपने इसको हाइड कर दिया, तो इसको वापस यहां से अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है। और इसी में अगर मैंने मान लीजिए कर दिया शीट वन डॉट विजिबल इक्वल टू वेरी हिडन, तो इसको क्या होगा कि अब हम यहां प्रॉपर्टी से ही इसको यहां से विजुअल कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली कोई इसको यहां से राइट क्लिक करके अनहाइड नहीं कर सकता है। तो विजुअल क्या कोड लिखेंगे, खैर तो मैं यहां से विजुअल करूंगा, सीट को सिलेक्ट करूंगा, यहां से विजुअल कर दूंगा। या फिर वहां पे कोड के जरिए करना है तो सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल। क्या बोला है सर? हाँ यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा या फिर वो प्रॉपर्टीज में हो जाए। हाँ हाइड अनहाइड सीख लिया। अब बात आती है प्रोटेक्ट। जैसे में सीट वन डॉट हमने बोला प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट और फिर इसमें हमने पासवर्ड डाल दिया, तो सीट का पासवर्ड डाल देगा जो कि हम राइट क्लिक पे करते हैं ना प्रोटेक्ट शीट, ये सेम चीज कर देगा। वापस अनप्रोटेक्ट करना है तो सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट कर देगा और फिर यहां पे अपना पासवर्ड डाल देगा। ठीक है। तो हम सीट को सिलेक्ट करते हैं, सीट को हम ऐड करते हैं,
सीट को रिनेम करते हैं, सीट को मूव एंड कॉपी करते हैं, सीट को हम डिलीट करते हैं, हम उसको हाइड अनहाइड करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये करते हैं ना सीट में सर, ये चीजें हम आपको करा देंगे। बताइए इसमें इस कोड में कोई डाउट है आपको? नहीं, बस प्रैक्टिस करेंगे तो नॉलेज हो जाएगा। हाँ, तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए सर, आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम आपको शीट से रिलेटेड एक और माइक्रो बना के बताएंगे जैसे हमने फाइल सेटर बनाया था। ठीक है, इसमें कुछ मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ ऐसा कुछ लगता है आपको वीडियो? हाँ, इसको आप जैसे कि हमने बताया ना आपको, इसकी एक एक लाइन को आप यूज करके देखिए इसका इफेक्ट। जैसे कि सीट को सिलेक्ट करने का कोड अलग अलग तरीके से देखें, सीट को ऐड करने का कोड अलग अलग तरीके से देखें, उसी तरह से मूव कॉपी, तो सबको लाइन को अलग अलग करके देखें। ठीक है सर, तो आज रहने देते इतना ही, कल हम बात करेंगे सीट की।